हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। फिर से तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक हॉरर स्टोरी ले आया है दोबारा से। एक जो रियल इंसिडेंट है, लेकिन ये इंसिडेंट एक पढ़े लिखे एक ऐसे आदमी के साथ हुआ है जिसे भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। डॉक्टर शर्मा, जिसने अपनी लाइफ में इतने हादसे देखे होंगे शायद ही किसी ने देखे हैं, उनकी पूरी लाइफ हॉस्पिटल में बीत गई थी। लेकिन ये हादसा देखने के बाद डॉक्टर शर्मा को यकीन हो चुका था कि हाँ, ऐसी शक्तियाँ भी हमारी इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। और आज भी डॉक्टर शर्मा किसी भी ऑपरेशन या फिर किसी भी क्लाइंट के पास जाने से पहले भगवान हनुमान जी का नाम लेकर जरूर घर से निकलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर शर्मा जी के साथ, ये जानेंगे स्टोरी में। लेकिन उससे पहले, आप अगर हॉरर वीडियो के लवर हो, आपको पसंद है वीडियोस, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए स्टोरीज लेकर आता रहता है, नई नई अच्छी अच्छी, लेकिन जो सच्ची घटना पर आधारित होती है। कोई अपने पास मिर्च मसाला नहीं है जो छिड़क के आपके सामने पेश कर दो के खाते ही जीभ में एक स्वाद आ जाए, उसके बाद कुछ है ही नहीं। इससे अच्छा सच बताओ, थोड़ा कम डरावना हो या ज़्यादा डरावना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और चैनल सब्सक्राइब करके बैठिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये सभी कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर और फैंस भेजते हैं, जो कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये कहानी भी एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, जिसका नाम है वरुण। वरुण एक हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल का नाम लेना ठीक नहीं होगा। हॉस्पिटल में वरुण 6 या 7 दिनों से एडमिट था और वरुण को यहाँ पर डॉक्टर भी सभी जानने लगे थे और काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। वरुण अपने पथरी का इलाज करवाने के लिए आया था, जो पेट के अंदर पथरी हो जाती है उसका, काफ़ी बड़ा स्टोन बन चुका था लीवर के अंदर, वही निकलवाने के लिए वरुण यहाँ आया था। लेकिन 6-7वें दिन हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके शरीर पर काफ़ी भयंकर घाव थे। भयंकर घाव से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसे गहरी चोट लगी हुई थी या फिर उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, नहीं। उसके शरीर पे कुछ ऐसे घाव थे जिन्हें देखने से ही ये पता लग रहा था कि ये काफ़ी महीनों से इसके शरीर पर घाव हैं। उसके चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर ऐसे भयानक घाव थे। वो आते ही डॉक्टर जी से मिलता है, डॉक्टर शर्मा से कहता है कि मेरे को कोई ऐसी दवाई दो जो ये घाव ठीक कर दे जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे जल्दी ही अपनी शादी में जाना है और अगर मेरे ये घाव ठीक नहीं हुए तो मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटेंगे। डॉक्टर वर्मा अब उसको दवाई देना शुरू करते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि उसे बीमारी क्या है, क्योंकि उसके जो घाव थे वो सड़ चुके थे, गल चुके थे एकदम। बस मानो कुछ दिन और बीतते तो उन घावों में कीड़े भी पड़ जाते, ऐसे घाव उसे हो चुके थे। डॉक्टर उसे दवाई देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें 4-5 दिन लगातार आना होगा, इस पे दवाइयाँ लगाई जाएंगी, पट्टी की जाएगी, इसको रोज़ साफ किया जाएगा, तब जाकर तुम्हारे कुछ घाव ठीक होंगे। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रोज़ आऊँगा। वरुण वहीं बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो आदमी अगले दिन फिर आता है, उसी तरह से अपना इलाज करवाता है, दवाइयाँ लेता है और बिना पैसे दे चला जाता है, बिना दवाइयों के पैसे दे केमिस्ट से। हॉस्पिटल सरकारी था लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो बाहर से भी लेनी पड़ती है, लेकिन वो केमिस्ट से लेके ऐसे ही चला जाता था बिना पैसे दिए।
डॉक्टरों को और जो भी वहाँ लोग थे उन्हें ये बात अजीब लग रही थी, और वो आदमी कभी भी दिन के उजाले में नहीं आता था। जैसे ही सूरज ढलता था, रात होती थी, वो आदमी तुरंत आकर खड़ा हो जाता था। ये करीब 4 दिन तक चला। पांचवें दिन मंगलवार था। मंदिर हॉस्पिटल के बिल्कुल पास था, और मंगलवार के दिन बहुत जोरों से हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर चलाई जाती थी। करीब काफ़ी देर तक चलाई जाती थी हनुमान के गाने तो, और एक बार हनुमान चालीसा चलाई जाती थी, उसके बाद आसपास के लोग वहां आकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो ये चलते चलते करीब 2-2.5-3 घंटे तक चलती थी। मंगलवार के दिन वो आदमी नहीं आया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बोला था कि लगातार आना है, जब तक तुम्हें ये घाव ठीक होते हुए ना दिखाई दे, तुम्हारे घाव भरते हुए ना दिखाई दे। उस आदमी को न जाने क्या हुआ, वो मंगलवार को नहीं आया। बुधवार हुआ, वो आदमी फिर से आता है, उससे पूछा जाता है क्यों नहीं आए, तो वो कुछ अजीब सी बात कर देता है। कहता है कि ये जो बगल में मंदिर है ना, इसमें कुछ गाने बज रहे थे जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया, मैं रुक गया, मेरे कदम रुक गए। क्या किसी के गाने चलने से कदम कैसे ही रुक सकते हैं? आप, मैं, हम जैसे लोग ऐसे गानों पर, ऐसे भजनों पर, ऐसे हनुमान चालीसा पर तो जाकर खुद वहाँ बैठते हैं, खुद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये इस आदमी की बात अजीब थी। जैसे ही लोगों ने उसे सवाल जवाब किए, वो आदमी वहाँ से भाग गया, चला गया। लेकिन वरुण कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि वो आदमी तो नहीं था, क्योंकि उसके घाव और उसका बोलने का तरीका आदमियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मानो वो कई शताब्दी पुराना आदमी था। आज के जो रीति रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, जो नियम है, वो उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी जानकारी नहीं है। ये बात डॉक्टरों को भी अजीब लग रही थी और वरुण को तो लग ही रही थी। वो आदमी उसके बाद वहाँ कभी नहीं आया। एक दिन ऐसे ही, जैसे अखबार आते हैं, हॉस्पिटल में भी आते हैं, न्यूज़ चलती हैं, न्यूज़ चल रही थी तो उस आदमी का फोटो दिखाई देता है एक न्यूज़पेपर पर, और वो आदमी आज से करीब 70 या 80 साल पहले जा चुका था ये दुनिया छोड़कर। और उस आदमी का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो नहीं रहा, लेकिन 70-80 साल पुराना आदमी उस हॉस्पिटल में कैसे आया? जब ये न्यूज़ चारों तरफ फैली तो आसपास के और हॉस्पिटलों में जब ये बात गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, कोई एक ऐसा आदमी आता था, आया हफ्ते भर, उसके बाद नहीं आया। लोग बौखला गए थे ये बात सुनकर। उसके बाद से उस आदमी को कहीं देखा नहीं गया किसी हॉस्पिटल में, लेकिन क्या पता वो कहीं बाहर के हॉस्पिटलों में भटक रहा हो। वरुण ने जब हमें ये किस्सा सुनाया तो वरुण ने ये साफ तौर से बताया कि हाँ, करीब 70 या 80 साल पुरानी बात है कि वो आदमी इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, आज का इतना ही एक्सपीरियंस था। आपको वीडियो कैसी लगी? शॉर्ट में इसलिए वीडियो सुना देता हूँ क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। लॉन्ग में वीडियो सुननी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि जो कहानी छोटी है वो हम एक समय पे बनाएंगे, जो बड़ी है वो एक समय पे बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।